नमस्कार दोस्तों, बिहारी ऑटोबॉट्स में आपका स्वागत है। बजाज की डोमिनार 400 और KTM की ड्यूक 200 दोनों ही गाड़ियों में टक्कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जहां बजाज डोमिनार 400 बजाज के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्यूक 200 आज भी अपने ब्रांड नेम के साथ भारतीय बाज़ार पर छाई हुई है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में आखिर अंतर क्या है, दोनों की स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या अंतर मिलेगा, और सबसे ज़रूरी बात कि कौन सी गाड़ी जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। तो बजाज डोमिनार 400 के इंजन की अगर बात करें, तो इसमें ट्रिपल स्पार्क के साथ 4 बल्ब यूज किया गया है इंजन में। इसके साथ साथ आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी इसमें, DTSI इंजन विथ लिक्विड कूलिंग के साथ। अगर ड्यूक की बात करें, तो ड्यूक में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। अगर दोनों गाड़ियों की सीसी की बात करें, तो बजाज डोमिनार 400 आपको 373.3 CC की मिलेगी, तो KTM ड्यूक आपको 195 CC की मिलेगी। पावर की अगर बात करें, तो बजाज डोमिनार 400 में आपको 35 PS का पावर मिलेगा 8000 RPM पे। वहीं दूसरी तरफ आपको KTM ड्यूक 200 में 25 BHP का पावर मिलेगा एट 10000 RPM। अगर टॉर्क की बात करें, तो बजाज डोमिनार 400 में आपको 35 Nm का टॉर्क मिलेगा एट 6500 RPM। वहीं दूसरी तरफ आपको KTM ड्यूक में 19.2 Nm का टॉर्क मिलेगा एट 8000 RPM। दोनों ही गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, आगे और पीछे दोनों आपको दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक मिलेगा। अगर माइलेज की बात करें, तो दोनों गाड़ियों का कंपनी दावा कर रही है कि 35 KMPL का माइलेज दोनों गाड़ियाँ निकाल सकती हैं। टॉप स्पीड की अगर बात करें, तो दोनों ही बाइक्स की टॉप स्पीड में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। डोमिनार 400 का कंपनी दावा करती है कि 148 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। वहीं दूसरी तरफ KTM ड्यूक की बात करें, तो इसके लिए KTM का दावा है कि 135 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ये गाड़ी आपको निकाल देगी। बात करते हैं व्हील साइज की। व्हील साइज दोनों गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों ही सेम है, 17 इंच का व्हील साइज जो है वो यूज किया गया है। टायर की अगर बात करें, तो फ्रंट टायर KTM और बजाज डोमिनार दोनों में आपको सेम मिलेगा, 110/70, 110/70 दोनों में ही आपको मिल जाएगा। रियर टायर 150/60 और ड्यूक में भी 150/60 का ही मिलेगा। अब बात आता है वैल्यू फॉर मनी, विच वन इज वैल्यू फॉर मनी फॉर यू। तो बात करते हैं अगर डोमिनार 400 की, इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 1.36, यानी कि 1,36,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक की 1.44, यानी कि 1,44,000 रुपये। अगर आप KTM ड्यूक की जो कीमत है उसमें 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बजाज का डोमिनार ABS मॉडल के साथ में मिल जाएगा। ABS क्या होता है, ये अपने दर्शकों को हम बता दें। आजकल की बाइक्स में जो लेटेस्ट बाइक्स आ रही हैं, महंगी बाइक्स आ रही हैं, उसमें ABS का इस्तेमाल किया जा रहा है। ABS का मतलब होता है एंटी ब्लॉकिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, तो व्हील जो है वो ब्लॉक अचानक से ना होकर के धीरे धीरे गाड़ी रुकती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का या जो आपका टायर है वो स्लिप करने का जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी अगर बात करें, तो बजाज की डोमिनार जो है वो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो जीतती है, क्योंकि एट लो कॉस्ट, एट सेम कॉस्ट आप बात कर सकते हैं ABS मॉडल से अगर आप कंपैरिजन करें, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा रही है KTM ड्यूक से। वहीं KTM ड्यूक जो है बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कंपैरिजन हम बजाज की डोमिनार 400 से करते हैं, तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो किसी भी मामले में बजाज डोमिनार को टक्कर नहीं दे पाते हैं। हाँ, अगर KTM ड्यूक की कीमत जो है वो अगर कंपनी कुछ कम कर दे, तो शायद हो सकता है कि दोनों की जो गाड़ियां हैं उनमें कंपैरिजन जो है वो हम लोग ना करें, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो कॉस्टिंग है वो भी सेम है। वहीं आपको बजाज डोमिनार बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ सामने आ रही है, तो KTM ड्यूक जो है वो बजाज डोमिनार के सामने कहीं भी नहीं टिक रही है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कार और बाइक से रोचक जानकारियां हम हमेशा आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिहारी ऑटोबोट्स, धन्यवाद।